बारां जिले में एक साथ 27 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल हिंदू जागरण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश खुराना ने जिला प्रशासन पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यहां एक व्यापारी में कोरोना की पुष्टि हुई है और कई लोग इस व्यापारी के संपर्क में आए हैं, लेकिन प्रशासन इस पूरे मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा। को परिवादी प्रताप सिंह ने एक एसीबी में अप्लीकेशन दी थी कि उसकी भाभी और वो एमआईए स्थित किसी फैक्ट्री में काम करते हैं और उसकी भाभी के 184 दिन का प्रस्तुति अवकाश लिया था, जिसके लिए उसने कर्मचारी राज्य बीमा निगम में दावा पेश किया था 184 दिन के लिए, और वो कई दिन से चक्कर लगा रहा है और वहाँ बाबू है कैलाश चंद यादव जो उसको डील करता है, वो उसको दावा पास नहीं करने दे रहा है, जिस पर हमने 28 तारीख को वेरीफिकेशन करवाया। वेरीफिकेशन के अंदर जो कैलाश चंद यादव बाबू है उसके द्वारा 60,000 रुपये का क्लेम पास करने के एवज में 5,000 रुपये रिश्वत की मांग करना पाया गया और 2,000 रुपये रिश्वत के उसने उसी टाइम ले लिए और 3,000 रुपये रिश्वत के लेकर नेक्स्ट वीक बुलवाया था, इसी वीक बुलाया था, जिस पर आज परिवादी 3,000 रुपये रिश्वत लेकर इस ऑफिस में आया था और बाबू ने 3,000 रुपये रिश्वत के लेकर अपनी जेब में रख लिए और जिसे हमने बरामद कर लिया है और ट्रेप कर